तालकटोरा स्टेडियम में वैश्विक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। आधा दर्जन करीब सांसद, पूर्व सांसद, विधायकों सहित कई बड़े नेताओं ने इस सम्मेलन में शिरकत की। राजनीतिक हस्तियों के साथ फिल्म अभिनेत्री जया प्रधान ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, तो वहीं सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने भी लोगों को संबोधित किया। अखिल भारतीय वैश्य महासमाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश कुमार सांगी की माने तो वैश्य समाज बहुत विशाल है और समाज को संगठित करने के उद्देश्य से ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गिरीश सांगी ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वे बच्चियों को बेहतर शिक्षा दिलाएं, पुरुष के साथ साथ महिलाओं को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। यही नहीं, राजनीति में भी वैश्य समाज की हिस्सेदारी बढ़े, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि वैश्य समाज को लेकर लोग व्यापार उद्योगों के कामों में ज्यादा व्यस्त रहता है, लेकिन अब राजनीति में वैश्य समाज की हिस्सेदारी बढ़े, इसके लिए वैश्य समाज भी आगे आए। वैश्य समाज महासम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की माने तो राजनीतिक तौर पर वैश्य समाज पहले बहुत मजबूत था। भारत के कई राज्यों में वैश्य समाज से मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन बीते 25 से 30 सालों में राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी कम होती जा रही है। इसलिए मंच के माध्यम से अपील की गई कि राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी को बढ़ाया जाए। उत्तर भारत में अब वैश्य समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए रथ यात्रा निकालेगा, जिसको लेकर उमेश अग्रवाल ने कहा कि एक बिहार में रथ यात्रा अखिल भारतीय वैश्य समाज महासम्मेलन द्वारा निकाली गई थी। इसी प्रकार की रथ यात्रा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में निकालने की योजना है। इस यात्रा का मकसद भारत में एकता अखंडता को लेकर समाज को एकजुटता में लाना होगा। आगामी दिनों में यह यात्रा पूरे उत्तर भारत में निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत 75 जिलों में वैश्य समाज के प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से वैश्य समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। अखिल भारतीय वैश्य समाज महासम्मेलन के पदाधिकारियों के माने तो इस तरह कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। भारतीय वैश्य महासमाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर गिरीश कुमार सांगी ने वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन में तालकटोरा स्टेडियम का चयन इसलिए किया गया था कि यह सुविधा पूर्वक आयोजन किया जा सकेगा, लेकिन महासचिव उमेश अग्रवाल द्वारा किए गए प्रभाव जनसंपर्क अभियान से इतनी भारी संख्या में वैश्य समाज के स्त्री पुरुष एकत्रित हो गए कि स्टेडियम ही पूरा नहीं परिसर ही छोटा पड़ गया। सांगी ने कहा कि वैश्य महासम्मेलन राजनीतिक हकों को पाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगा। क्योंकि राज्यपाल गंगा प्रसाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद गुप्ता व दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित रविवार को तालकटोरा स्टेडियम में जुटे विभिन्न प्रदेशों के दिग्गज वैश्य राजनेताओं व सामाजिक अधिकारियों का वकालत करते हुए कहा कि जिस अभूतपूर्व संख्या में आज समाज एकत्रित हुआ है, उसे साफ हो गया कि लोग अपने हकों के लिए जागरूक हो रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में इतनी भारी संख्या में सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं और जागरूक लोगों को एकत्रित करने के लिए नेताओं ने गुरुग्राम के पूर्व विधायक, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव उमेश अग्रवाल की मंच से सराहना की। नेताओं ने कहा कि कई बार सुना था कि उमेश अग्रवाल बड़े बड़े कार्यक्रम में गुरुग्राम में आयोजित करते रहते हैं, लेकिन आज दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन कर दिया जिसके भीतर वह सब स्टेडियम ही छोटा पड़ गया। अपने संबोधन में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि बिना एकता कोई लक्ष्य या अधिकार हासिल नहीं किए जा सकते, समाज के आम लोगों को किसी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, वैसे समाज को आगे आना पड़ेगा। वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन के को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, सांसद सगमलाल गुप्ता, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष बागोड़िया, पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जया प्रधा, अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघम, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, वैश्य महासमाज के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन, उत्तर प्रदेश के सुधीर हलवासिया एवं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल सहित कई सांसद, दो पूर्व मंत्रियों सहित पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस प्रतिनिधि सम्मेलन में सुपर उद्योगपति एवं समाज सेवा नरेंद्र गोयल स्वागतम, वैश्यमर्दी के ग्रुप चेयरमैन दिनेश गुप्ता सीए स्वागत मंत्री रहे तथा माइक्रोटेक इंटरेस्टेस के सीएमडी सुबोध गुप्ता, सुपरविद उद्योगपति एवं समाज सेवी शैलेश गुप्ता, वे जे जगदीश मोहनलाल का कार्यक्रम के दौरान गर्भ जोशी के पूर्व साथ स्वागत किया गया। इस प्रतिनिधि सम्मेलन में कई राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कई मेयर, पार्षद व उद्योगपति एवं सामाजिक राजनीतिक नेताओं ने भी भाग लिया। देश से लोग आए हुए हैं, खासकर ऐसे दिल्ली के आसपास जितने भी प्रदेश हैं वहाँ से ज़्यादा आए हुए हैं, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, बंगाल, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा, सब गुजरात, सब जगह से लोग आए हुए हैं। ये तो एक छोटा सा सैंपल था। वैश्य समाज बहुत विशाल है, जो ब्राह्मण नहीं, जो क्षत्रिय नहीं, जो शूद्र नहीं, वो वैश्य, हमारी ये परिभाषा है। और मेरे हिसाब से, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ,
करीब 5% देश में ब्राह्मण है, 5% क्षत्रिय है, 12-13% शूद्र हैं और आदिवासी हैं, थोड़े मुसलमान हैं। बाकी का बचा जितना समाज है वो वैश्य समाज है। उसको संगठित करने का ही हमारा उद्देश्य है इस संस्था का। वही प्रयास हम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। और बहुत काम करना है, अभी तो हमने 1% भी काम नहीं किया है, बहुत काम करना है। और हमारा मेन उद्देश्य है राष्ट्रवाद, देश की प्रगति, देश की उन्नति, देश की सुरक्षा, ये हमारा सबसे पहला हमारा लक्ष्य है। इससे कहीं कभी भी हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य सनातन धर्म, उसकी रक्षा करना। उसके बाद है हमारा समाज, उसके बाद है हमारा परिवार। तो ये हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफलता मिल रही है, लोगों का प्रेम मिल रहा है। आपने देख चुका है यहाँ पर आज कैसा उत्साह, लोगों में उत्साह था। देखिए, अगर एक परिवार में एक महिला, एक लड़की शिक्षित होती है तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, आप ये सोचिए। जब उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो बच्चों को बराबर से शिक्षा दे पाएगी, तो वो परिवार पॉवर्टी लाइन से बाहर आ जाता है। तो एक महिला का शिक्षा देना पूरे परिवार को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालेगा, उसको आत्मसम्मान देगा, उसको बल देगा, उसको कॉन्फिडेंस देगा। तो शिक्षित महिला बहुत ज़रूरी है हमारे पास। एक बार अगर कोई मेल मेंबर शिक्षित ना भी हो तो चल जाएगा, पर महिला शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ, हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनके समाज में ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, वो महिलाओं को बराबर से शिक्षा नहीं दिलाते हैं, इसलिए उनका समाज पीछे जाता जा रहा है, उनका समाज ऐसा कमज़ोर है। हमारे समाज को, हमारी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो महिला अपने परिवार को बराबर से संभाल सके। देखिए, जो क्या होता है, हमारा समाज जो है ना, ज़्यादातर व्यापार, उद्योग, अपने कारोबार में ज़्यादातर व्यस्त रहता है। और अगर कोई देश में संकट आए तो आगे बढ़ बढ़ के काम करेगा, पर कोई राजनीतिक ऐसो उसको अगर चेतावनी दे तो थोड़ा सा अभी संकोच करता है, वो धैर्य उसमें नहीं है। वही धैर्य लाना हमारा उद्देश्य है, समाज में इतना धैर्य लाएं, इतना उनका मनोबल बढ़ाएं कि वो राजनीति में भी जूझ पड़े। और अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति भी साफ सुथरी होगी। उमेश जी, अब मैं क्या बताऊँ उनको, अभी से मैं उनको बधाई देता हूँ, आगे चलकर वो विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। आज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का प्रतिनिधि सम्मेलन था। इस प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यतः दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे, लेकिन सांकेतिक तौर पर पूरे देश के लोग थे। सभी प्रदेशों से 10-10, 15-15, 20-20 लोग आए हुए थे, लेकिन मुख्यतः दिल्ली NCR आसपास के लोग ज़्यादा थे। आज 5 से अधिक सांसद यहाँ पर आए, सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद जी यहाँ पर आए, बिहार के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर थे और अनेक प्रतिनिधि, कई सारे मेयर, विधायक, पूर्व सांसद, सब लोग, समाज का पूरा प्रतिनिधित्व यहाँ पर था। राजनीतिक तौर पर वैश्य समाज पहले बहुत मजबूत था, अनेक प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री होते थे और अनेक प्रदेशों में हमारी सदस्य संख्या बहुत अधिक थी, चाहे विधायकों की बात करें या सांसदों की बात करें। पिछले 25-30 वर्षों से लगातार राजनीति में वैश्य समाज का जो है भागीदारी, वो कम होती जा रही है और इस कारण से ये अपील की गई कि राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़े। पहले भी माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गिरीश सांगी जी, उन्होंने बिहार में एक रथ यात्रा निकाली थी और इसी प्रकार की रथ यात्रा उनका दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में निकालने की योजना है, वो भी हम शीघ्र फलीभूत करेंगे। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।